हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी घी और छोले की दाल हम कैसे बनाएं। इसके लिए हमने 1 kg घिया लिया है, जिसे हमने वॉश करके काट दिया है। 1/2 kg हमने छोले की दाल ली है। 1 medium size जो है हमने ओनियन लिया है और उसे चॉप कर दिया है। और हमने 3 जो है टोमेटो लिए हैं और उन्हें ग्रेट कर दिया है। यहाँ पर हमने धनिया लिया हुआ है, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हुआ है। मसालों में हमने ज़ीरा 1 tablespoon लिया है, चिली पाउडर 1.5 tablespoon, साल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, टर्मरिक पाउडर 1.5 tablespoon। चलो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमने अपना पैन जो है वो गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसमें मस्टर्ड ऑयल जो है ऐड कर देंगे। हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा डाल देंगे, साथ ही अपना जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। फिर हम अपने चॉप किए हुए ऑनियन ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से हमारे प्याज जो है वो भुन चुके हैं। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से चला देंगे। देखिए हमारा मसाला जो है वो अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम अपनी दाल जो है वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम मिला देंगे। इसे इस सब थोड़ी देर पकने के बाद हम इसमें घिया ऐड कर देंगे। देखिए हमारी दाल जो है थोड़ी मसाले के साथ भुन चुकी है। अब हम इसे अपना कटा हुआ घिया ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें अपना जो थोड़ा धनिया है वो ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से इसके साथ मिक्स कर देंगे। दाल और घी को थोड़ी देर भुनने के बाद अब हम इसमें 1 mug जो है वाटर का ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो है हम अपने कुकर का प्रेशर बंद कर देंगे और इसे लगभग हम 4 to 5 विसल यानी कि 30 to 40 मिनट्स के लिए पका देंगे। कुकर में जो है सीटी लग गई है। अब हम ठंडा होने के लिए इसे इसी पे रख देंगे। जब तक ये खूब ठंडा नहीं होता हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो प्रेशर कुकर है वो ठंडा हो चुका है। अब हम देखेंगे हमारी घी और छोले की दाल बन चुकी है कि नहीं। देखिए हमारी जो दाल है वो परफेक्टली कुक हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इसमें अपना जो धनिया का पत्ता है वो ऐड कर देंगे और हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे छोले और घी की दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये रेसिपी बनाने में बिल्कुल ही आसान है, टेस्टी है और हेल्दी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।